हे गाइस, दिस इज हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं अमरकंटक के अमरेश्वर आश्रम, जहां पर अमरावती गंगा का उद्गम स्थल है और साथ में दुर्गा धारा का उद्गम स्थल है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अमरेश्वर आश्रम में। और यहां पर दुर्गा धारा का उद्गम स्थल है, यहां पर गाय का जो गौमुखी है उससे निरंतर पानी बहता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपको आगे में ले जाकर दिखाते हैं, गौमुखी का दर्शन कराते हैं। चलिए आगे में मिलते हैं। और अमरावती नदी का उद्गम स्थल है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का व्यू को। और कुछ इस प्रकार से आश्रम है, तो चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं। मेरे गाइड ये चारों बच्चे हैं, बच्चे लोग के साथ अंदर जाए हैं। चलिए छोड़ो, आगे चलो, चलो 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 चलो, बच्चे लोग के साथ जा रहे हैं, बच्चे लोग दिखा रहे हैं मंदिर वगैरह को। तो चलिए अंदर चलते हैं। आश्रम के अंदर जाओगे तो यहाँ पर केले का पेड़ बहुत है और फूल भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर सीधा अंदर जाना है, तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहीं से अमरावती नदी का उद्गम स्थल है, चलिए अंदर की ओर चलते हैं। और यहाँ से अमरावती नदी का उद्गम स्थल है और इस जगह को जलेश्वर आश्रम बोलते हैं और साथ में गौमुखी भी बोलते हैं। गाय का मुंह से हमेशा 12 महीना पानी निकलते रहता है। तो अमरकंटक आए रहे हो तो यहाँ जरूर यहाँ घूमने आइए। और चलिए नीचे को आपको लेकर दिखाते हैं। और अंदर में अमरावती नदी का भी उद्गम स्थल यहीं से है, चलिए अंदर को चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से नीचे आना पड़ता है मेन रोड से आपको। और यहाँ से मंदिर है और यहाँ से पानी वगैरह आ रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर है श्री त्रिलोचन संकट मोचन हनुमान मंदिर। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि भक्तगण मनोकामना है तो श्री फल चमेली तेल एवं सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। और चलिए ऊपर की ओर चलते हैं, हनुमान मंदिर की ओर। कुछ सीढ़ियाँ हैं, इसको चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर यहाँ पर एक मंदिर है, तो चलिए अंदर ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर भजन जी के बहुत भव्य मूर्ति देख सकते हो आप। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इस जगह के बारे में। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से इस अमरावती उद्गम स्थल के बारे में। तो चलिए बताइए महाराज जी, क्या है जगह के बारे में और क्या क्या है मान्यता है यहाँ के? ये हमारा आश्रम है। अमर आश्रम? अमर आश्रम जी। और दुर्गा धारा का उद्गम है। दुर्गा धारा जी, दुर्गा धारा का उद्गम स्थल। और अमरावती जो अमरावती उसी का नाम रखा गया है, दुर्गा धारा का। अच्छा, और ये नदी भी बनता है ना सामने जाकर? पहले ये बहुत पहले दुर्गा धारा में था जी, अब अमरावती नदी। अच्छा, अब अमरावती नदी बोल दिए हैं जी। और इस जगह के बारे में कुछ बताइए। जो रामायण है ये 12-13 साल हो गए चलते, 108 वर्ष के लिए जी अनुष्ठान है, 108 वर्ष चलेगी। 108 वर्ष चलेगी। अभी कोरोना की वजह से कुछ लोग गए हैं छुट्टी में। जी जी, 108 वर्ष चलती, निरंतर चलती रहती है जी, बंद नहीं होती है जी। और इस जगह का नाम क्या बताया आप? अमर आश्रम। अमर आश्रम, अमर आश्रम के पास है दुर्गा धारा, दुर्गा धारा का उद्गम स्थल। तो पंडित जी बताए कि ये दुर्गा धारा का उद्गम स्थल है, और चलिए और भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अमरावती गंगा उद्गम स्थल, आप देख सकते हो। और यहाँ से उद्गम स्थल है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ गौमुखी है
गाय का मुंह बना हुआ है। यहाँ 12 महीना यहाँ से पानी निकलता रहता है। इसको दुर्गा धारा का उद्गम स्थल पहले था, जिसका नाम आजकल अमरावती गंगा के नाम से रखा गया है। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से पानी निकल रहे हैं, ये देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है। और ये जो गाय का मुख बना हुआ है दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से 12 महीना पानी निकलते रहता है। और ये दुर्गा धारा और अमरावती गंगा का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों कैसा लगा अमरावती गंगा का उद्गम स्थल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस जगह के बारे में पंडित जी बताए ही हैं कि जगह का नाम क्या है और कैसा है और कब से आना है। तो ये अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर है, यहाँ से आ सकते हो और यहाँ पर भी अमरावती गंगा का दर्शन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।